लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सक्यूज मी, एशा, हाय, यू नो, तुम मुझे डिजाइन कलेक्शन में असिस्ट करने वाली हो? व्हाट? यू वोंट बिलीव इट, मैंने तुम्हीं से इंस्पायर होकर डिजाइन सोचे हैं। व्हाट एन अमेजिंग कोइंसिडेंस, एंड आई आल्सो वांट यू एज अ मॉडल, ओके? श्योर, नाउ एक्सक्यूज मी। या, श्योर, लंच में कैंटीन में मिलते हैं, मुझे कुछ डिस्कस भी करना है। यस, हे अमन, हाँ, तुझे डायरेक्टर सर बुला रहे हैं। ओके, थैंक्स। देख के चलो वरना गिर पड़ोगे। सॉरी, आपने मुझे बुलाया सर? अमन, एशा तुम्हें असिस्ट नहीं करेगी। क्यों सर? क्योंकि वो किसी सीनियर लड़की को असिस्ट करना चाहती है। सर, मगर लिस्ट में तो उसके साथ मेरा नाम है सर। वो तो कंप्यूटर की मिस्टेक थी, हमने कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए भिजवा दिया है। सर, मगर मैंने उससे बात की है, उसे कोई इतराज नहीं है सर। उसे इतराज है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मोहब्बत के लिए इस इंस्टीट्यूट में कोई जगह नहीं। परंपरा, प्रतिष्ठा। सर, आप उसे एक बार बात तो। अमन, तुम्हारा मुहावरों का ज्ञान कैसा है? क्यों सर? रास्ता नापने का मतलब समझते हो? नहीं सर। रास्ता नापने का मतलब होता है कि अब तुम जा सकते हो। जी सर। मोहब्बत कभी नहीं हारती अमन, मगर डायरेक्टर साहब ने बगैर बात मेरे रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। आई डोंट लाइक इट सर। उन्होंने क्या कहा अमन? ईशा किसी सीनियर लड़की को असिस्ट करना चाहती है। ईशा किसी सीनियर लड़की को असिस्ट करना चाहती है। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है अमन। सर, You're genius. I'm the best. एना, एना, कब से तुम्हें बुला रहा हूं, तुम सुनी नहीं रही। क्यों, उससे लिफ्ट नहीं मिली तो मेरे पास चले आए। एना, लुक लाइक मी ना? Did, not anymore. अरे बी अ स्पॉट ना। I know तुम मुझसे नाराज हो। एना, मेरी बात सुनो एक मिनट प्लीज। क्या? तुम मेरी मदद करो ना प्लीज। कैसी मदद? ईशा मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती। तो मैं क्या कर सकती हूँ? एना, तुम प्लीज ईशा को अपना असिस्टेंट बना लो और मेरे ईशा की दोस्ती करवा दो ना प्लीज। एना, व्हाट? तुम्हें मेरी मदद चाहिए, वो भी इस केस में? आई थिंक एना, 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 देखो, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि आई रियली लाइक यू अ लॉट, लेकिन एक दोस्त की तरह, दोस्ती के खातिर आना प्लीज मेरे लिए ये छोटा सा काम कर दो ना प्लीज। एना, I would really appreciate, I'd be very grateful. Please, Anna, please, please, please. Thank you, Anna. Thank you so much, Anna. Thank you very much, Anna. मैंने हाँ नहीं। तुम्हारी आँखों ने कर दी। हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ प्यार. Just fall in love. अपने काम से सिली. क्या तुम हंसती नहीं हो? No, I laugh. Then laugh no. Aisha. Aisha, please. देखिए, हमने ये ड्रेस डिजाइन की है। हिप, तुमने? अरे वाह, तुम तो बिल्कुल डिजाइनर बन गई ईशा। अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो आप इसे पहन कर दिखाइए। मैं इसे पहन कर दिखाऊं? तंग मत करो मुझे। करेंगे, हमें आपको तंग करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, मगर हम नहीं पहन। मामा पहन के दिखाना। मामा, प्लीज 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 नहीं, प्लीज मम्मी नहीं। ईशा, इसका मतलब आप हमसे प्यार नहीं करती। हम आपसे प्यार नहीं करते? बिल्कुल नहीं, हम आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप नखरे दिखा रही हैं। अच्छा, मैं नखरे दिखा रही हूँ? मैं नखरे दिखा रही हूँ मामा। अच्छा, लो चलो दो। डिजाइनर साहिबा, आपकी मॉडल हाजिर है। मामा, मामा, यू आर लुकिंग सो स्वीट। आई रियली लाइक दिस प्लेस। या, लेट्स सिट देयर। ओके, ओके।
हेलो, हाँ मम्मा, मैं आज आना के साथ बाहर खाना खा रही हूँ, तो आप टिफिन मत भेजना। आई प्रेफर इंडियन आउटफिट्स। हाय। ओह हे। हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये मेरी भी फेवरेट जगह है। कैन आई जॉइन यू? यस श्योर। थैंक्स। कहाँ जा रही हो? ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करती है? क्या पता? What the hell? तकलीफ की, हम तो उसे छोड़ने ही वाले थे। ईव टीजिंग की कंप्लेन थी, इसीलिए लॉकअप में रखना पड़ा। मगर आप उसे समझाइए सर, वो तो उस लड़की के लिए अपनी जान तक दे सकता है। चले पति राव। यस सर। अमनी टीस्कुरा। आगंडी, मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि वो शर्मिंदा हो, बल्कि आप उसको बताई भी मत कि मैं यहां आया था। राज, यार अमन आजकल किसी लड़की की वजह से खासा परेशान नजर आ रहा है। बाय एनी चांस तुम जानते हो लड़की कौन है? ओ, हाय मिस्टर आयरन, आपको खबर मिली गई होगी कि मोहब्बत हवालात की हवा खा चुकी है और ईशा मेरे बताए हुए दर्शों पर चल रही है। जी जी, क्या अब यह मोहब्बत के पत्ते नहीं उड़ने वाले? अपनी वायलेंस मेटिए और गांव जाके भैंसों को सिखाइए। सर, मैं आपको एक चैलेंज देने आया हूँ। मुझे क्या चैलेंज दोगे? मैं तो वायलिन सीखने नहीं चाहता। सर, मैं वायलिन का नहीं, मोहब्बत का चैलेंज देने आया हूँ। कोई नई चैलेंज ट्रॉफी है? नहीं सर, मिस्टर टीसी पूरी इंस्टीट्यूट के तमाम स्टूडेंट्स के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वैलेंटाइन डे बड़ा बेहुदा त्योहार है, हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के खिलाफ है। सर, आप सूरज से आंखें मिला सकते हैं पर मोहब्बत से आंखें मिलाने से डरते हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मोहब्बत टाइप चीजें मेरे आगे थर थर कांपती हैं। तो फिर छोड़ दीजिए मोहब्बत के लिए दरवाजा खुला, अगर फिर भी मोहब्बत आपके खौफ से दाखिल ना हो तो हम आपका रुतबा मान जाएंगे। मुझे ये चैलेंज पसंद है, मिस्टर पुरी से कहिए कि वो ये पार्टी दे सकते हैं। थैंक यू सर। Who is this weirdo? Valentine's Day है भी नहीं, फिर भी सारे students के लिए Valentine's party throw कर रहा है। अरे सिर्फ students को ही नहीं, उनके parents को भी बुलाया है। लेकिन अपना नाम तक नहीं लिखा। अरे होगा कोई NIFT का benefactor, तभी तो director ने object नहीं किया। अमन, क्या तुझे ये idea है कि ये हजरत कौन है? Hey man, I'm coming. देवदास, मत हो उदास, party में होगी पारो तुम्हारे पास। ईशा। जी मम्मी। ये क्या है बेटा? ये आज वैलेंटाइन डे की पार्टी है। तुम जा रही हो ना? नहीं मम्मी, हमें असाइनमेंट पूरा करना है। पार्टी से लौट कर कर लेना। ठीक है, पार्टी में जाने की हमारी एक शर्त है। हुँ? आप हमारे साथ चलेंगी। तुम मुझे बहुत तंग करती हो ईशा। हमें आपको तंग करने में बड़ा मजा आता। अच्छा, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। हुँ? आज तुम्हें मैं तैयार करूंगी। नो यस। मैं ये जानता हूं कि आप लोग ये जानने को कितने उत्सुक हैं कि आज वैलेंटाइन्स डे नहीं होते हुए भी वैलेंटाइन्स डे पार्टी किसने और क्यों दी। मिस्टर पुरी।
क्या आप हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि इस पार्टी के पीछे क्या मिस्ट्री है? थैंक यू वेरी मच। वेल फ्रेंड्स, इस पार्टी के पीछे कोई मिस्ट्री नहीं बल्कि दिल की केमिस्ट्री है। दुनिया के हर मजहब हर मसीहे का बस एक ही संदेश है कि प्रेम का दिन हर रोज नहीं बल्कि हर पल मनाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम प्रेम की बातें करें, दिल की बातें करें। लेकिन आपने कार्ड पर अपना नाम क्यों नहीं दिया? तुम्हारे डर से। क्योंकि मुझे जिंदगी से प्रेम है, अपने नाम से नहीं। तालियां। पुरी साहब ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि प्रेम का दिन हर रोज नहीं बल्कि हर पल मनाना चाहिए। काश ये बात हमारे लीडर लोग समझ सकते हैं। That, why did he do this? मैं देखना चाहता था कि वो कौन इंटेलिजेंट लड़की है जो मेरे बेटे को लिफ्ट नहीं देती। थैंक्स डैड। यू आर वेलकम। लेकिन मजाक भी कभी कभी हर्ट कर सकता है। I'm sorry. मैं तुम्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता था। मैंने सोचा कि तुम अगर मेरे सामने उसे अपने दिल की बात कहोगे तो वो तुम्हारी फीलिंग्स को सीरियसली लेगी। थैंक यू डैड, लेकिन वो नहीं आएगी। लगी शर्त? मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन की छठी हिस्स यानी सिक्स सेंस बहुत शार्प होती है। तुम दस तक गिनो, वो आ जाएगी। अरे कम ऑन, गिनो तो सही। ओके, वन टू थ्री। अरे इतनी जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ बोलो। वन, वन टू टू टेन टेन। वो आ गई। ओह माय गॉड। लेकिन डैड, आपने उसे पहचाना कैसे? बेटे, तुम्हारी रगों में मेरा खून बहता है। अपने खून के बहाव को मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? चलो उसे रिसीव करते हैं। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा तो वो पार्टी छोड़ के चली जाएगी। आप जाकर उसे डायरेक्टर साहब के इन्फ्लुएंस से दूर रखिए और मैं यहाँ मोहब्बत के पत्ते उड़ाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।